बैंक से ऑनलाइन फर्जीवाड़ा कर पैसे निकालने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। छतरपुर पुलिस ने बताया कि ये गिरोह एटीएम ब्लॉक के नाम पर ग्राहकों को कॉल करता था और पासवर्ड लेकर ग्राहक के अकाउंट से पैसे निकाल लेता था। छतरपुर में 65 साल के बुजुर्ग अशोक कुमार सक्सेना के अकाउंट से फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह ने एटीएम ब्लॉक के नाम पर 3 लाख की ठगी कर ली। यह गिरोह इतना शातिर है कि इसने फरियादी को फोन कर उनके एटीएम ब्लॉक होने की बात कही, फिर उनके एटीएम का नंबर मांगा और फिर ओटीपी लेकर बुजुर्ग के अकाउंट से 5 बार में 3 लाख रुपए निकाल लिए। बुजुर्ग की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बैंक और साइबर सेल की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 2 आरोपी भोपाल और 1 सीहोर से पकड़ा गया है, जबकि 1 आरोपी फरार है जो कि झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस को इनके पास से ठगी के 1,05,000 रुपए, 7 ATM कार्ड, 10 अलग-अलग बैंक की चेकबुक, 7 पासबुक मिली है। छतरपुर पुलिस के द्वारा आज एक अंतर्राज्यीय गिरोह जो कि लगातार बैंक फ्रॉड के अपराध करता था उसको पकड़ा गया है। इसमें प्रमुख तौर पे 3 आरोपी अरविंद, अक्रम और धर्मेंद्र को गिरफ्तार करके न्यायालय में जल्दी से जल्दी पेश किया जाएगा। इसने छतरपुर में एक व्यक्ति से फ़ोन करके 3 लाख का फ्रॉड किया था, जिसमें से 1,05,000 रुपये की रिकवरी हो चुकी है। फ़ोन करके ये बताते हैं कि आपका जो खाता है वो बंद होने वाला है, इसे अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड का OTP आएगा, उसको जैसे ही आप बताएंगे तो उनके जो रिकॉर्ड हैं उसमें वो अपडेट हो जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।